नमस्कार मित्रों, अनुरुति ज्योतिष केंद्र कुंडली पाठ 342 में आपका स्वागत है। मिथुन लग्न में केतु कैसा फल देंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। केतु मित्र के साथ बैठते हैं, मित्र जैसे हो जाते हैं, और शत्रु के साथ बैठते हैं, शत्रु के जैसे हो जाते हैं। केतु के जो मित्र हैं राहु, शनि और शुक्र हैं, इसके अलावा बुध उनके मित्र हैं। उनके शत्रु जो हैं, शत्रुओं की बात करें तो सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु उनके शत्रु हैं। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं तो अगर देखा जाए तो जो केतु हैं वो वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं, धनु राशि में उच्च के होते हैं, इसके अलावा वृषभ और मिथुन में नीच के होते हैं। पहले घर में केतु आते हैं, नीच के हो जाते हैं, बहुत बुरा फल देंगे, दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत करेंगे, लाइफ बिजनेस पार्टनर में दिक्कत करेंगे। इसके अलावा अगर वो आते हैं, इसके अलावा दृष्टि 1 2 3 4 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ पर संतान से दिक्कत करेंगे, संतान प्राप्त होने में देरी हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ से जाएंगे 6 7 7वीं दृष्टि तो 7वीं दृष्टि भी खराब, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर 8 9 9वीं दृष्टि, पिता को मतलब पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पर विदेश यात्रा करने वाले होते हैं लेकिन नास्तिक ज़रूर होते हैं। दूसरे घर में जाएं तो दूसरे घर में केतु अपने शत्रु की राशि में आते हैं, बिल्कुल अच्छा फल नहीं देंगे, कुटुंब वाणी का नुकसान करेंगे। इसके अलावा 1 2 3 4 5वां घर रोग ऋण बाधा बढ़ाएंगे, 6 7वां यहाँ से आपका रुकावटें आती रहेंगी, 8 और 9 9वें घर में बिजनेस प्रोफेशन को ज़रूर ख़राब करेंगे। इसके अलावा आते हैं अगर तीसरे घर में, यहाँ भी शत्रु होते हैं, यहाँ भी अपना पराक्रम का फल नहीं देते, छोटे भाई बहनों से दिक्कत, यहाँ से दृष्टि जाती, यहाँ पर भाग्य को खराब करते हैं, पिता से संबंध खराब करते हैं, यहाँ से दृष्टि जाती। पाँचवीं दृष्टि की अगर बात करूँ 1 2 3 4 5 तो यहाँ से दाम्पत्य सुख में दिक्कत, इसके अलावा यहाँ से बिजनेस प्रोफेशन में दिक्कत 8 9, तो इस तरह से इस 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि में बड़े भाई बहन और आय से दिक्कत करना बहुत एकदम 100% हो जाते हैं। अगर चौथे घर में बैठते हैं, अगर केतु यहाँ पर तीसरे घर में बैठते हैं तो तीसरे घर का भी फल अच्छा नहीं देंगे, सारी दृष्टियाँ भी खराब होंगी। यहाँ से देखिए क्योंकि शत्रु 1 2 3 4 5 दाम्पत्य 6 7 पिता और धर्म की बात 8 9 शायद मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सीधा चौथे घर में। चौथे घर में अपनी मित्र की राशि में आ जाते हैं। मित्र की राशि में आने से यहाँ पर वाहन सुख, इसके अलावा माता से सुख, इस तरह की चीज़ें को अच्छी करेंगे, यहाँ से बिजनेस प्रोफेशन को अच्छा करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5वां घर अच्छा करेंगे, रुकावटें आने नहीं देंगे, इसके अलावा आएंगी तो उनको रोकेंगे। इसके अलावा यहाँ से नवा घर, नवे घर में जो रोग ऋण बाधा, जो नवा घर है बिजनेस कोर्ट, इस तरह के खर्चों को भी कम करेंगे। पाँचवें घर में आते हैं, पाँचवें घर में फिर अपनी मित्र की राशि में आ जाते हैं, बुद्धिमान होता है, पुत्र प्राप्ति का योग बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लॉटरी सट्टा से अच्छा थोड़ा सा फल दिला सकते हैं, यहाँ से दृष्टि डालते हैं, यहाँ पर बड़े भाई बहनों से बिजनेस अच्छा करते हैं। 1 2 3 4 5वें घर में पितृभक्त होते हैं, इसके अलावा आस्तिक होते हैं, 6 7 8 9 लग्न को भी मजबूत करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर षष्ठमेश होते हैं बहुत ख़राब फल देंगे, यहाँ पर अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये उच्च के होते हैं लेकिन अच्छे नहीं माने जाते, 6 8 12 में कभी अच्छे नहीं माने जाते, चाहे उच्च के हों या नीच के हों। यहाँ से कोर्ट कचहरी, यहाँ से ऋण रोग बाधा, यहाँ से 1 2 3 4 5वां घर, यहाँ से बिजनेस प्रोफेशन 6 7वां घर, 8 9 9वें घर से कुटुंब वाणी में भी दिक्कत करना तय होता है। इसके अलावा अगर ये सातवें घर में आते हैं, सातवें घर में ये उच्च के हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे, बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर सारी चीज़ें अच्छी, 1 2 3 4 5वां घर, बड़े भाई बहनों से अच्छा, आय के स्रोत अच्छे करेंगे। सातवें घर में जाते हैं तो इसको भी दृष्टि अच्छी रहती है, लग्न को मजबूत कर देते हैं, 8 9 9वें घर में भी अच्छा करेंगे, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, बहुत बढ़िया फल यहाँ से ये देते हैं क्योंकि उच्च के हो जाते हैं। अष्टम फिर खराब हो गए, रुकावटें लाएंगे, ससुराल पक्ष दिक्कत करेगा, इसके अलावा यहाँ से दृष्टि डालेंगे 1 2 3 4 5वां घर, तो यहाँ से कोर्ट कचहरी के खर्चे बढ़ा देंगे। इसके अलावा यहाँ से आएंगे फिर 5 6 7वां घर, सातवें घर में कुटुंब वाणी को यहाँ से भी दिक्कत करेंगे। यहाँ से आते हैं 8 9 9वें घर में माता सुख वाहन सुख में कमी करेंगे। अगर नवे घर में आते हैं, मित्र की राशि में आते हैं, यहाँ पर ये अच्छा फल देंगे, यहाँ पर धार्मिक होंगे, पितृभक्त होंगे, यहाँ से बहुत बढ़िया फल मोक्ष की ओर भी, कई बार यहाँ से तो नहीं, अगले किसी घरों में समझाऊंगा, मोक्ष पे अलग से वीडियो डालूंगा। इसके अलावा 1 2 3 4 5वें घर लग्न को मजबूत करेंगे, 6 7वां घर छोटे भाई बहनों से अच्छा करेंगे, मेहनत का फल दिलाएंगे। नवे घर में पुत्र, नवे घर में यहाँ से संतान से संबंधित सारे सुख देंगे, इसको खराब नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा हो जाता है। अगर मैं बात करूं, ये आते हैं जब दसवें घर में, तो यहाँ से
लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि शनि अच्छे होने चाहिए, यहाँ पर शुक्र अच्छे होने चाहिए, यहाँ पर बुध धन अच्छे होने चाहिए। अगर वो सब गड़बड़े तो फिर अच्छे फल नहीं देंगे। अगर बात करें ये दसवें घर में, दसवें घर में ये अपने शत्रु की राशि में आते हैं, अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ से भूमि भगवान भूमि माता का सुख, भूमि का सुख, मकान का सुख, यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन, यहाँ से डालते हैं दृष्टि 1 2 3 4 पाँचवीं दृष्टि कुटुम्बवाणी, यहाँ से डालेंगे नवी दृष्टि तो रोग ऋण बाधा को बढ़ा देंगे। यहाँ पर जब आएंगे 11वें घर में फिर शत्रु की राशि में आ रहे हैं, यहाँ भी खराब काम करेंगे, बिजनेस यहाँ से आय को रोकेंगे, बड़े भाई बहनों से दिक्कत करेंगे, यहाँ से संतान से संबंधित दिक्कत, लॉटरी सट्टे में आए तो बहुत बुरी स्थिति कर देंगे। 1 2 3 4 5 घर छोटे भाई बहनों से दिक्कत, 6 7वां घर बता दिया, 9वें घर में दाम्पत्य सुख और लाइफ बिजनेस पार्टनर को भी यहाँ से इनको दिक्कत करना तय माना जाता है। इसके अलावा अगर 12वें घर में आते हैं, नीच के हो जाते हैं, यहाँ पर कोर्ट कचहरी इस तरह के खर्चे बढ़ना तय है, व्यय बढ़ना तय है, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करते हैं। यहाँ से देखते हैं जब 7वें घर को, 1 2 3 4 5 पाँचवें घर में माता का सुख, गाड़ी का सुख, ये सब खत्म। इसके अलावा 6 7वें घर में यहाँ पर रोग ऋण बाधा बढ़ाएंगे। 8 9वें घर में रुकावटें रुकने का नाम नहीं लेती, लगातार आती रहती हैं और बहुत परेशान करती हैं, कई बार आदमी मेंटली भी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता। तो ये था मिथुन लग्न में केतु। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो तक नमस्कार।